करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर आरोपियों का ऑडियो क्लिप वायरल, चलते स्कॉर्पियो में किया था रेप। एमपी पुलिस ने 6 लाख के इनामी डकैत को मार गिराया। रंजिश की चलते सौतेली मां ने की 3 साल की बेटी की हत्या। मर्डर से पहले देवर ने भाभी को पिलाई बियर, मोबाइल से खुला राज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर आरोपियों का ऑडियो क्लिप वायरल, चलते स्कॉर्पियो में किया था रेप। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की पीड़िता से बेतिया में गैंग रेप की घटना से जुड़े मामले में अहम सुराग मिले हैं, जिसमें 2 सगे भाई में से एक छोटा भाई किसी से फोन पर बात कर घटना की सारी कहानी बयां कर रहा है। एमपी पुलिस ने 6 लाख के इनामी डकैत को मार गिराया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुख्यात डकैत बबुली कोल और उसके साथी को मध्य प्रदेश पुलिस ने आज सुबह एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों डकैत की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। डाकू बबुली कोल के ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। रंजिश के चलते सौतेली मां ने की 3 साल की बेटी की हत्या। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने रंजिश के चलते अपनी सौतन की 3 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर से पहले देवर ने भाभी को पिलाई बियर, मोबाइल से खुला राज। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में बीते 30 अगस्त को गांव शाहपुर में एक नलकूप के समय एक महिला का शव मिला था। शाहपुर के जंगल में मृत मिली विवाहित की हत्या उसी के देवर ने की थी। जानकारी के मुताबिक देवर ने अपने भाभी को मारने से पहले बियर पिलाया था। यह घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हुई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।